नमस्कार, सफलता टॉक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी और मेरे साथ मौजूद हैं दिलीप। और आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान जुड़ी हुई हैं। उनसे आपका तारुफ कराने से पहले एक बात आपको बता दें कि महिलाएं कहाँ नहीं हैं। जाहिर है हर जगह महिलाएं हैं और हर जगह अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही हैं। आज एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ सफलता टॉक्स में जुड़ी हुई है जिन्होंने सफलता की ऊंचाइयों को छुआ है और बनाया है एक लैंडमार्क। आप उन तमाम लड़कियों के लिए, आप उन तमाम लोगों के लिए, आप उन तमाम छात्रों के लिए जो करना चाहते हैं पुलिस में एक बेहतरीन मुकाम हासिल, आज हमारे साथ जुड़ी हुई है डॉक्टर राजश्री जी, आईपीएस सीआईजी क्राइम ब्रांच। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। थैंक यू, नमस्कार। तो सफलता की इस कड़ी में आपको तमाम दोस्तों का वेलकम करता है सफलता.com। और आप हमारे तमाम सोर्सेस से जुड़े हुए हैं, यूट्यूब से और फेसबुक से। तमाम यंगस्टर्स कैंडिडेट जो पुलिस सर्विस के लिए या गवर्नमेंट के किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस सेशंस को जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपके दोस्त अगर सेशंस को अटेंड नहीं कर पा रहे हैं किसी भी वजह से तो उनको भी सेशंस का बेनिफिट मिल पाए। और तमाम नौजवानों को बताना चाहूंगा कि आज बसंत पंचमी है और इसका बहुत ही पौराणिक, आपको पता है कि हमारा एक सनातन धर्म में रोल रहा है बसंत पंचमी का। और बसंत पंचमी के इसी एपिसोड में सफलता टॉक में आज हमने एक गेस्ट को इनवाइट किया, जैसा कि पल्लवी ने आपके साथ शेयर किया, डॉक्टर राजश्री सिंह। एंड मैम के बारे में बहुत कम बात बोलूंगा, मैम से ही हम जानेंगे इनकी जर्नी के बारे में। और बतौर आईपीएस हरियाणा स्टेट कैडर में मैम अभी कार्यरत हैं एंड इंस्पेक्टर जनरल पोस्ट पे हैं। दो वेंचर को अभी हेड कर रही हैं मैम, क्राइम ब्रांच एंड ट्रैफिक हरियाणा स्टेट्स के अंतर्गत। और मैम ने अपनी जर्नी स्टार्ट किए थे हरियाणा स्टेट सिविल सर्विस के अंतर्गत एंड फिर एज अ बतौर डीएसपी मैम ने वहां सेशंस को वहां पे जो अपॉइंट हुए थे। एंड देन प्रमोशन के बाद मैम फिर अभी आईपीएस 1999 1999 बैच में फिर मैम को पदोन्नति मिली थी और आईपीएस के पोस्ट पे अभी कार्यरत हैं। सो मैम, इस लाइफ की जो आपकी जर्नी रही है फ्रॉम हरियाणा स्टेट सिविल सर्विस डीएसपी पोस्ट से लेकर के आईजी बनने तक की जर्नी जो आपकी रही है वो काफी इंस्पायरिंग रही है और बहुत सारी बातें हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। और सफलता टॉक के माध्यम से आपका वेलकम करता है। सो आप ये जर्नी को एक बार हमें बताइए, कैसे आपने पुलिस सर्विस के प्रति आपका क्या क्यों इतना रुझान रहा और आपने एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को क्यों नहीं ज्वाइन किया, ये थोड़ा आप जर्नी के बारे में एक्सप्लेन कीजिए। बिल्कुल देखिए, मैं बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ और उच्च मध्यम वर्गीय कह सकते हैं कि कोई किसी चीज की कमी जो है वो माँ बाप ने कभी फील नहीं होने दी। तो मैम आवाज जा रही है आपको हमारी? राष्ट्रीय मैम, आवाज मिल पा रही है आपको हमारी? शायद तकनीकी खामियों की वजह से हम उनसे शायद बातचीत नहीं कर पा रहे। एक बार फिर से कोशिश करेंगे उनसे बातचीत करने की। लेकिन आपको बता दें, ये एक ऐसा मंच है जो कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है। सफलता का मंत्र ही है, जो मूल मंत्र है वो कुछ ये कहता है कि आपको अपने जीवन में किस तरीके से सफल बनना है और सफलता पाने के लिए आपको किन किन आयामों से गुजरना पड़ता है और उन उपलब्धियों को पाने के लिए आपको कितना संघर्ष करना पड़ता है। ये सारी चीजें हम सफलता टॉक्स में आपके लिए लेकर आते हैं। और आज हमारे साथ जो खास मेहमान है वो है डॉक्टर राजश्री, आईपीएस सीआईजी क्राइम ब्रांच। और उन्होंने किस मेहनत से जाकर ये उपलब्धि हासिल की है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और इन्हीं तमाम मसलों पर बातचीत करने के लिए आज डॉक्टर राजश्री हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। हालांकि फिलहाल अभी टेक्निकल इश्यूज के कारण हम उनसे इस वक्त बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि फिलहाल हम उनसे बातचीत करें। तो आपको बता दें कि लगातार हम आपके लिए एक बेहतरीन चर्चा का विषय लेकर आते रहे हैं सफलता टॉक्स में। और आज भी हम एक बेहद ही खास शख्सियत को आपके सामने लेकर आए हैं दिलीप। वाकई कह सकते हैं कि बिल्कुल हम कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं उन लोगों में एक जज्बा जगाने की कि कम से कम लोग आगे बढ़ें और सफलता की ऊंचाइयों को छुएं। बिल्कुल पल्लवी, जैसा कि आपने बताया, सफलता टॉक के इस एपिसोड में हमारी मुहिम रही है कि हम आपके साथ जितने भी टॉपर्स होते हैं, चाहे वो विदेश मंत्रालय में कार्यरत है। लास्ट हमने सेशंस बच्चों आपके साथ जो कंडक्ट किए थे उसमें हमारे साथ थे नीलू कुमारी जी, और आपको बताया था कि कितने मिडिल बैकग्राउंड, बिलो मिडिल बैकग्राउंड फैमिली से पल्लवी, उनने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है उस पोस्ट को अचीव किया था। तो इस कड़ी में हमारी मोटिव ये रहती है कि बच्चे, आप तमाम जिस भी प्लेटफॉर्म से तैयारी कर रहे हो, आपको 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 अपने
है, सेल्फ एस्टीम को इतना हाई लेवल तक रखना है कि आप कोई भी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे होते हो आप वहां पे अच्छा कर सकते हो। और सबसे बेस्ट बात यह है कि आपको एक एक टॉपर्स के माध्यम से हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि इनने अपने लाइफ की जर्नी को कैसे स्टार्ट किया और आज आईपीएस जैसे बतौर पोस्ट पे इनने अपना कामयाबी हासिल की। तो ये एक हमारी पहल है सफलता.com की। और मोटिव ये है पल्लवी सेशंस का, बच्चे जो भी हमारे प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए हैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, कि हरियाणा पुलिस में बतौर मैम कार्यरत है और हरियाणा पुलिस को अगर मैं देखूं, मैम के साथ मैं जिक्र भी करूंगा, जेंडर इक्वलिटी के मामले में हरियाणा जो स्टेट है वो लीस्ट स्टेट बोला जाता है इंडिया में। अच्छा। फिर भी वहां पे वेमेन काफी अच्छा कर जाती है और मैम से इस पे हमारी जिक्र भी हो रही थी। सो वेमेन जो भी खास करके गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही है, और हरियाणा स्टेट की अगर मैं बात करूं तो हरियाणा स्टेट में भले ही जेंडर इक्वलिटी कम है लेकिन वेमेन बहुत अच्छे पोस्ट पे है। और इस कड़ी में हमने अन्नू कुमारी जी का भी जिक्र किया था, आईएएस सेकंड रैंक लाई थी हरियाणा स्टेट से। सो वो भी अमर उजाला ने उनका इंटरव्यू किया था, और एक बार मैम आपके साथ ज्वाइन करेंगी जल्दी क्योंकि कुछ टेक्निकल दिक्कत आ रही है एंड हमारी टीम कोऑर्डिनेट कर रही है। सो विल बैक टू यू, फिर पल्लवी एक बार आप बच्चों के साथ लाइव रहिए। बिल्कुल, और जाहिर है कि हम कोशिश कर रहे हैं अभी डॉक्टर राजश्री जी से संपर्क करने के लिए, लेकिन जिस तरीके से दिलीप ने आप सभी को ये बताया, आज सरस्वती पूजा है, आज हम माँ सरस्वती को पूजते हैं। अब माँ सरस्वती की पूजा हम विद्या के लिए करते हैं, और एक बात भी कही जाती है, विद्या ददाति विनयम, तो जो विनम्रता है वो विद्या आपको देती है। और आज इसीलिए हम ये बेहद खास एपिसोड लेकर आए हैं, जैसा दिलीप ने बताया कि जेंडर इक्वेलिटी की बात हम करते हैं, बहुत कई बार हमने ये सुनने को मिला है कि जो महिलाएं हैं कुछ एक स्टेट्स में उनको ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है, सबसे ज्यादा उन्हें संघर्ष का सामना करना पड़ता है। लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसी महिला मौजूद है जो अभी फिलहाल जिनसे हम बातचीत कर रहे थे लेकिन अभी किसी तकनीकी खामी की वजह से वो अभी उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, एक बार फिर से हम उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने भी तमाम हर्डल्स को पार करके एक सफलता की एक नई इबारत लिखी है, और हम यही जानेंगे आज इस पूरे एपिसोड में कि किस तरीके से एक औरत, एक महिला, एक लड़की किस तरीके से तमाम संघर्षों से लड़कर आगे बढ़कर अपने मुकाम को हासिल करती है, और एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर आकर वो अपनी बातों जो उनके साथ हुआ या फिर जो चीजें, जो स्ट्रगल्स उन्होंने देखे अपने करियर में, वो सारी चीजें आपके सामने आज रखने वाली हैं। और वाकई आज हम कोशिश करेंगे कि आप जितनी भी लड़कियां हैं जो चाहती हैं कि पुलिस में वो जाए, खासतौर से हरियाणा पुलिस में, वो क्या कुछ चीजों को समझ सकती हैं, देख सकती हैं, क्या कुछ जो सिलेबस है, इवेंचुअली दिलीप हम इन सब चीजों पर भी बातचीत करेंगे कि क्या टेक्निकलिटीज है, उन तमाम मसलों पर आज हम बातचीत करने वाले हैं। तो सफलता टॉक्स के साथ आप हमेशा बने रहे हैं, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आप हमारे साथ बने रहते हैं, हमेशा अपनी बातें साझा करते रहते हैं, इसके लिए भी आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। दिलीप, बहुत सारे स्टूडेंट्स के आपके पास कॉल्स, मैसेजेस, कमेंट्स वगैरह आते रहते हैं, उनमें सबसे कॉमन बात आपको क्या लगती है कि अक्सर देखने को मिला है कि कहीं ना कहीं सिलेबस को लेके वो थोड़े से ज्यादा परेशान रहते हैं, या फिर उनको कोई अच्छे से गाइड करने वाला कोई नहीं है, इसको लेकर परेशान रहता है, सबसे कॉमन चीज आपने क्या नोटिस की है? करेक्ट। इस पूरे प्रक्रिया में जैसा कि पल्लवी आपको बता रही थी कि एक मैम ने जर्नी कैसे स्टार्ट किया था बतौर डीएसपी से फिर आईएएस जैसे रैंक को स्विच करी, और बहुत ही कम देखने को मिलता है पल्लवी कि कोई स्टेट सिविल सर्विसेज के थ्रू सिविल आप आईपीएस कैडर में जाते हैं, और उसमें से एक एग्जाम्पल है आपके साथ डॉक्टर राजश्री सिंह आईपीएस, जल्दी हम कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। और जहां तक कैंडिडेट जो भी हमारे साथ जुड़े हुए उनका मेरा ये सुझाव रहता है, और मैं क्वेश्चंस भी लेता हूं क्योंकि सफलता टॉक के माध्यम से काफी आपके अच्छे इनपुट आते हैं। सो उसमें जो बच्चों का फोकस ये होता है कि हम गवर्नमेंट जॉब की प्रति जो हम तैयारी कर रहे होते हैं उसमें जैसे हमने रूटीन अगर डेली का रूटीन बनाया और अगर हम एक हमें लगता है कि हमें अच्छे रैंक्स लाने, हमें हायर रैंक पे जाना है, सो बच्चे बीच में क्या होता है कि उनका जो बोलते हैं ना गेम ऑफ टेम्परामेंट, सो वो एक से दो दिन बाद ना उनका स्टडी का कंटिन्यूएशन नहीं रहता है। सो उसको एग्जाम तक कैसे बनाए रखे, और प्लस जो आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं हरियाणा पुलिस हो या स्टेट सिविल सर्विसेज हो या सिविल सर्विसेज की अगर मैं बात करूं यूपीएससी का, सो उसके प्रति फोकस्ड होकर के आपको डेली की रूटीन के साथ कैसे काम करना होता है, ये बड़ा की रोल होता है। और ये अक्सर बच्चों के क्वेश्चंस आते हैं कि जो हमारा मोराल है स्टडी के दौरान कभी कभी डाउन भी हो जाता है, लेकिन मेरा कोशिश ये होता है तमाम बच्चों के साथ जिस भी प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं,
आप जिस भी गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं आप बहुत अच्छा और अच्छे रैंक के साथ उसको क्रैक कर सकते हैं। बस एग्जाम जो होता है वो टाइम बाउंड स्टडी होता है और एक अपर एज लिमिट तक ही आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो फोकस्ड आपका ये होना चाहिए इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के माध्यम से कि आप जो भी तैयारी कर रहे हैं पहले तो उसके पास उसकी सिलेबस की बारीकी से आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। साथ में सिलेबस के अलावे अगर मैं बात करूं तो आपको बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि सिलेबस पे बहुत अच्छा काम किया, रिटेन पे बहुत अच्छा काम किया, लेकिन इसका जो स्टेज टू है जैसे फिजिकल की मैं बात करूं तो फिजिकल में बच्चे रह जाते हैं। तो हमें हर चीज को इक्वली लेकर के चलना, अगर मुझे पता है कि फिजिकल जस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर है तो उसको भी वेटेज लेके चलना है क्योंकि उसका मार्क्स नहीं है लेकिन क्वालिफाई करना जरूरी है आपको। सो एक आपको बैलेंस्ड चीज, बैलेंस्ड आपका हर तरीके से होना चाहिए, चाहे आपका टीयर वन हो, टीयर टू हो या टीयर थ्री हो, जिस भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं आप उसको डेडिकेटली कीजिए। और आपको बता दूं कि सबसे बड़ा चैलेंज आता है आपके सामने कि अगर नहीं हुआ तो क्या। बिल्कुल आपको बता दूं कि फिर तो वही बात हुई ना पल्लवी की आप गेम में जा रहे हैं गेम खेलने और एक ग्राउंड में बैठा हुआ वो सपना देख रहा है कि नहीं ना मैं भी गेम खेल सकता हूँ, लेकिन आपने ट्राई नहीं किया, आपने ट्राई नहीं किया तो आप आउटकम के बारे में कैसे सोच सकते हो। इसलिए ना पहले आप 100% अपना दो। और एक एरिस्टोटल की नैकमोबियन एथिक्स है एंड दैट इज बिगेस्ट रूम इन द वर्ल्ड इज द रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। तो आप तमाम बच्चे समय के साथ इम्प्रूव करिए, अपने अपने जो आपका जो गोल सेंट्रिक अप्रोच है, जिस चीज को आप डेडिकेट कर रहे हैं, जिस भी कॉम्पिटिशन की आप तैयारी कर रहे हैं उसके प्रति फोकस रहेंगे तो कहता आप 1-2-3 रैंक ला सकते हैं, बट उसको जीना पड़ेगा आपको। बिल्कुल सही है। वाकई दिलीप आपने बहुत अच्छी बात कही कि हार नहीं माननी है, हार अगर मान लिया तो उस डेडिकेशन के साथ आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। राजश्री मैम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मैम थोड़ी देर पहले तकनीकी खराबी की वजह से हम आपस में बातचीत नहीं कर पा रहे थे, लेकिन दिलीप ने आपसे एक सवाल पूछा था मैम कि आपकी जो प्रोफेशनल जर्नी रही वो कैसी रही। देखिए प्रोफेशनल जर्नी से पहले तो जैसे कॉलेज में बाकी बच्चों के साथ पढ़ना लिखना और वही सब मस्ती करना वो तो सभी की जिंदगी में होता है, लेकिन एक एम के साथ हमने जिंदगी को शुरू किया। पहले डॉक्टर बनने की तमन्ना थी तो MBBS में एडमिशन नहीं हो पाया, तो मैं आज समझती हूँ कि भगवान जो करता है वो ठीक ही करता है, उसकी रजा में ही हम सबको खुश रहना चाहिए। तो अगर मैं MBBS डॉक्टर बन जाती तो शायद आज यहाँ नहीं होती। और बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं, बहुत सारे इंजीनियर्स होते हैं, वो एक नॉर्मल लाइफस्टाइल है कि भाई या तो बच्चा डॉक्टर बन जाए या इंजीनियर बन जाए। तो डॉक्टर बनने की ख्वाहिश तो हमने पूरा की BMS करके, और वो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है आयुर्वेदा का और एलोपैथी का, तो वो पढ़ाई की 6 साल रोहतक में और डेली अप एंड डाउन किया भिवानी से। तो संघर्षपूर्ण जीवन तो रहा है, और मतलब चाह के भी हमने संघर्ष को चुना क्योंकि हॉस्टल की फैसिलिटी भी थी लेकिन हॉस्टल में रहना पसंद नहीं था। घर वालों के पास रोज पहुंच जाओ और रोज उनसे मिल लो, वो बस घर में हम 3 बहनें थी, भाई कोई था नहीं, तो पेरेंट्स को भी चिंता रहती थी कि भाई बेटियां इनको अच्छा पढ़ाना लिखाना है और सशक्त बनाना है। तो कहीं ना कहीं माँ बाप का साथ जो है वो आपको हमेशा एक बढ़ावा देता है, वो अगर माँ बाप पॉजिटिव हैं तो सब चीजें पॉजिटिव होती चली जाती हैं जिंदगी में। और अपने बच्चों के लिए हर आदमी अच्छा सोचता है, लेकिन जो हमारा टाइम था वो लगभग उसमें से 50% लड़कियों की शादियां तो 10th के बाद ही हो जाती थी। तो मतलब जितनी भी पढ़ाई लिखाई करनी होती थी उस चीज से ऊपर उठ के की शादी नहीं करनी है अभी, वो कहीं ना कहीं माँ बाप के दिमाग में भी था कि लड़कियों को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए और मार्शल आर्ट भी सीखना चाहिए, गेम्स में भी अव्वल रहना चाहिए, ऑलराउंडर होना चाहिए। तो वो सब चीजें जो है माँ बाप ने प्रेरणा देके हमें यहाँ तक पहुँचाया। मेरी बड़ी सिस्टर MMA थी, BEd थी, MEd थी, तो पढ़ाई लिखाई में हम सब लोगों का बहुत अच्छा वो रहा है। और शादी के बाद भी सिस्टर ने पढ़ाई की, तो वो एक इंस्पिरेशन घर में ही मिलती रही कि आगे पढ़ना भी है और बढ़ना भी है। तो उसके बाद जो है जब हम पढ़ रहे थे तो उड़ान सीरियल आता था। अच्छा, जब हम कॉलेज में तो उड़ान सीरियल आता था, तो उड़ान सीरियल को देख के बहुत इंस्पिरेशन मिलता था कि भी देखो एक गरीब घर से एक लड़की और फादर जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं, प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा है और किस किस तरह से वो लड़की जो है आगे जाके फाइट करती है कोर्ट में, जो है वो फाइट करते हैं वो केस,
और कैसे जीतते हैं और कैसे जो है वो लड़की आईपीएस बनती है, तो वो सब चीजें कहानी कल्याणी सिंह जो वो एक एक्चुअल करेक्टर के ऊपर बनाई गई थी वो स्टोरी, और कंचन चौधरी भट्टाचार्य मैडम जो है वो उनकी स्टोरी थी और उनकी सिस्टर ने इनेक्ट किया था सीरियल में, तो वो एक इंस्पिरेशन लेके मैं चली थी। बहुत अच्छा लगा कि कोई रियल लाइफ जो है मॉडल आपको मिले और आप उसको अपनी जिंदगी में उतारें तो बहुत खुशी मिलती है। तो बस ऐसे हमने कंपटीशन दिया, फर्स्ट टाइम में ही मैं पास हो गई और फिर 1990 में मैंने एज डायरेक्ट डीएसपी ज्वाइन किया। तैयारी तो मैं सिविल सर्विसेज यूपीएससी की कर रही थी, लेकिन फादर ने बोला कि भाई बेटियां हैं घर में तो हम नहीं चाहते कि आप दूसरे स्टेट में जाके सर्व करें, कैडर तो कोई भी मिल सकता है, केरला भी मिल सकता है आपको, नॉर्थ ईस्ट भी मिल सकता है, तो पहले तो जाके लैंग्वेज सीखो और फिर उसके बाद जो है लोगों की साइक का नहीं पता है आपको, गर्ल्स के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो बेटर यही है कि भाई हरियाणा में जी, तो हरियाणा में जैसे ही निकली तो मैंने ये फॉर्म भी भरे और दे दिया कंपटीशन। तो उसके बाद जो है आप देख ही रहे हैं कि मैं कहाँ हूँ आज। थोड़ा सा ये होता है कि सीनियोरिटी के हिसाब से अगर आईपीएस उस टाइम अगर मैं बन जाती तो आज एडीजी डीजी के करीब होती, लेकिन अपना स्टेट है और अपने स्टेट में फैलाने का फायदा भी है, पेरेंट्स के साथ भी रही और सब अपने लोगों की देखभाल भी आदमी कर सकता है, तो वो कहीं ना कहीं एक दिमाग में था कि लड़की होने की वजह से पेरेंट्स से ज्यादा अटैचमेंट होती है, तो इसलिए डायरेक्ट डीएसपी ज्वाइन किया और अच्छा है, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। अच्छा मैम, दिलीप के भी कुछ सवाल हैं, तो दिलीप मैं आपको दो मिनट रुकना चाहूंगी, क्योंकि मैम ने एक बहुत अच्छी बात का जिक्र किया है तो मैं चाहूंगी उससे एक सवाल कनेक्ट करना। मैम, चूंकि आपने बहुत अच्छी बात कही कि आपके आपको आपके पेरेंट्स का बड़ा सपोर्ट मिला और घर में चूंकि पढ़ने लिखने का माहौल था तो आप भी उसी दिशा में आगे बढ़ती चली गई। कई जगहों पर ऐसा होता है, कई स्टेट्स में ऐसा देखने को मिलता है, लड़कियां तो पढ़ना चाहती हैं लेकिन पेरेंट्स नहीं पढ़ने देना चाहते हैं, शायद उन्हें लगता है कि बहुत ज्यादा खर्च हो जाएगा, उससे अच्छा है कि वो शादी कर लें और अपना घर बसा लें, पढ़ाई का उन्हें मौका नहीं मिल पाता या फिर लड़कियां खुद ही आगे नहीं आ पाती हैं। आप खुद क्या जेंडर इक्वेलिटी पे सोचती हैं, स्पेशली इन हरियाणा? देखिए, हमने तो जेंडर इक्वेलिटी अपने घर में ही देखी है, क्योंकि घर में चाचा के बच्चे और हम लोग, मतलब हमारे अंदर कोई भी ना, तो हमारे दादा दादी ने कोई ऐसा सेग्रीगेशन हमारे अंदर किया, कोई ऐसा मतलब यूं नहीं सोचा कि ये लड़कियां हैं ये लड़के हैं तो लड़कों को ज्यादा कुछ प्रिविलेजेस मिलेंगी या लड़कियों को नहीं मिलेंगी, तो ऐसा कुछ हमने अपने घर में देखा नहीं। वो जेंडर इक्वालिटी घर से ही देखनी शुरू की, और जहां तक पढ़ाई लिखाई की बात है कि घर में इतनी छूट थी कि आप जितना पढ़ना चाहो उतना पढ़ो और नई शादी करनी कोई बात नहीं, आप बेशक से शादी ना करो लेकिन अपने पैरों पे खड़े हो, किसी के आगे आपको मतलब जिंदगी भर जो है किसी के ऊपर आश्रित नहीं रहना है। तो वो चीज जो है वो आज भी हमें अच्छी लगती है कि एटलीस्ट मतलब हम अपने पांव पे खड़े हैं और कोई चीज लेनी है तो किसी से पूछना नहीं है, जब हाथ यूं रहता है देने के लिए तो हर आदमी को अच्छा लगता है, और ऐसे रहता है तो वो सारी जिंदगी जो है एक आश्रित के तौर पे नहीं निकाली जा सकती। अच्छा यही है कि लड़कियां अपने पैरों पे खड़ी हों, मार्शल आर्ट सीखें। वो मेरे फादर का ये बहुत ही जो वाइड ब्रॉड माइंडेड थे बहुत ज्यादा, तो उन्होंने हमेशा ये बोला कि भाई गेम्स में भी अच्छा होना चाहिए, मार्शल आर्ट सीखना चाहिए, तो वो सब चीजें जो है वो हमने अपने घर में देखी है, तो जेंडर इक्वालिटी तो घर से ही देखी है। बाहर चाहे समाज में हमें देखना है पड़ा कि भाई जेंडर इक्वालिटी का जो ज्यादा झंडा उठा के चलते हैं वही लोग ज्यादा ऐसे सेग्रीगेशन कर देते हैं दो कैटेगरीज के बीच में कि ये लड़का है ये लड़की है, लड़की के साथ ऐसे नहीं, लड़के के साथ ऐसे करना चाहिए, लड़का जो है वो तो महानुभाव है, कुछ कुछ अलग ही प्लैनेट से है, तो वो सब चीजें जो है वो बाहर सोसाइटी में तो अभी भी देखने को मिलती है। जी बिल्कुल, दिलीप
ओके सो बहुत ही इंस्पायरिंग मैम आपका जर्नी रहा, और इस जर्नी के दौर में आपने जिक्र किया आप उड़ान जो आपका सीरियल आता था, आप उस सीरियल से काफी इंस्पायर्ड हुए एंड जिसके माध्यम से आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से फिर आपका प्लान चेंज हुआ पुलिस सर्विस की तरफ। एंड तमाम नौजवान जो कि इस सेशंस के माध्यम से जुड़े हुए हैं, आपको बता दें कि बुराई से भी आपको अच्छाई निकालनी है, और अच्छाई से तो बिल्कुल अच्छाई निकालनी है। और मैम ने बतौर हरियाणा जैसे स्टेट में जहाँ पे अभी हम जेंडर इक्वलिटी की बात कर रहे थे और वहाँ पे अपना अपना सुप्रीमेसी कायम कर रखा है, आपको बता दें कि मैम बतौर आईपीएस वहाँ पे है हरियाणा स्टेट में। एंड आपको बता दें कि आप कोई भी अगर चीज देखते हो वो आपकी डेली की लर्निंग होती है, चाहे आप अच्छे व्यक्तित्व से मिलते हो या बुरे व्यक्तित्व से मिलते हो, चाहे आप अच्छे दौर से गुजरते हो या बुरे दौर से गुजरते हो। मैं ऑलवेज पर्पली बोलता हूँ कि इफ देर इज अ प्रॉब्लम देन देर इज अ सॉल्यूशन। सो आपको सॉल्यूशन पार्ट पे काम करनी होती है, और आपको बता दें कि अगर डेडिकेटली फोकस्ड होकर के आप कोई भी गोल के प्रति आप लगे हुए हो तो डेडिकेटली वो गोल अचीव करोगे। और इस सफलता टॉक के एपिसोड में जैसा कि मैम ने आपके साथ जिक्र किया बतौर आईपीएस कार्यरत है, तो तमाम नौजवान जो इस सेशंस को हमारे साथ लाइव हैं, इस सेशंस में मैं आपको बता दूं कि जो भी चीज आप करते हो डेली एक्टिविटी में, अगर आप मूवी भी देखते हो तो उस मूवी से कोई अच्छी चीज सीखने की कोशिश करो। हर चीज का प्रोज एंड कॉन्स होता है, लेकिन आपको हमेशा पॉजिटिव वे में उसकी चीजों को लेनी है। जैसा कि मैम ने उड़ान जो आपका सीरियल आता है पल्लवी, उसमें उससे मैम इतना इंस्पायर्ड हुई एंड देन फिर मैम ने स्विच किया स्टेट पुलिस सर्विस को rather than instead of administrative service। सो मैम इस पूरी जर्नी में एक बार मैं तमाम जो हमारे यूथ हैं, खास करके विमेन और बॉयज दोनों हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सो इनका एक बार नाम मैं लेना चाहूंगा। तमाम बच्चे जुड़े हुए हैं, नवीन जांगरा, प्रेम प्रकाश मिश्रा, साथ में राहुल जगू, अंचल श्रीवास्तव, लोकेश, अभिषेक मिश्रा, देन अंचल श्रीवास्तव, राहुल कुमार कृष्णा, राहुल अंचल श्रीवास्तव, तमाम नौजवान जो हमारे साथ इस लाइव सेशंस में जुड़े हुए हैं, आप लोगों के क्वेश्चंस आने चाहिए। एंड कोई भी अगर आपको डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, आप डायरेक्टली मैम से पूछ सकते हैं। मैम मेरे माध्यम से मैम के पास मैं क्वेश्चंस शेयर करूंगा और आपके क्वेश्चंस का हम जवाब देंगे। बिल्कुल, स्पेशली लड़कियां, जी आप तो जरूर ही कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, क्योंकि आज हमारा जो पूरा एपिसोड है वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आपको आज हमने सेंट्रिक रखा है। और लड़कियां बेसिकली अगर हम देखें तो आप अगर पुलिस में जाना चाहती हैं और अपने परिवार के साथ साथ अपने साथ साथ इस देश का नाम रोशन करना चाहती हैं, तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिए और जो सवाल हैं आपके वो मैम से आज आप पूछ सकते हैं। बिल्कुल करेक्ट। सो बिल्कुल पल्लवी, आपने बड़ा अच्छा यहाँ पे ऐड किया विमेन को लेकर के। आज हम लोग चर्चा कर रहे थे और इस कड़ी में आपके साथ एक विमेन है जो कि डिस्कस हम कर रहे हैं, राष्ट्रीय मैम। सो मैम एक चीज और मेरे को आपसे जानना है, जैसा कि आपने अपनी पूरी लाइफ जर्नी बताया, आपने बताया कि आप अपर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे और आपको बस पुलिस सर्विस में जो अपने क्राइम सीन देखते थे उससे आपने कुछ सीखा और फिर वो पुलिस में जाने की आपकी चाहत थी, और बतौर पुलिस में आपने डीएसपी नहीं बल्कि एक एक डीएसपी से सब्सिक्वेंट प्रमोशन लेकर के आपको काफी अवार्ड्स एंड ऑनर भी दिए गए हैं। एंड फिर आप बतौर आईजी अभी कार्यरत हैं हरियाणा क्राइम ब्रांच क्राइम एंड साथ में ट्रैफिक को आप हेड कर रही हैं। इस पूरे जर्नी को अगर मैं देखूँ मैम, 1990s आई थिंक 1990 से आपकी जो जर्नी होती है प्रोफेशनल जर्नी, सो उसमें क्या चैलेंजेस आपने फेस किए, और इस चैलेंजेस को अगर मैं देखूं तो आपने इस चैलेंज को चुनौती में कैसे तब्दील किया, इसका एक एक थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे लाइफ के प्रस्पेक्ट में, ताकि जो भी हमारे यूथ तैयारी कर रहे होते हैं डेली की लाइफ में उनके साथ भी चैलेंजेस होते हैं, लेकिन चैलेंजेस को चुनौती समझ कर उसको एक एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाकर के और अपनी जो मुकाम है उसको हासिल करना, ये थोड़ा इस पे आपसे मैं जानने की कोशिश करूंगा राष्ट्रीय मैम। देखिए, चैलेंजेस तो जो लोग घर में बैठे हैं ना उनको भी चैलेंजेस हैं लाइफ में, और जो घर से बाहर निकलती है लड़कियां उनके लिए डबल चैलेंजेस हो जाते हैं। एक तो आपको प्रूव करना पड़ता है अपने आप को, आपका नॉर्मल रूटीन का काम कोई नहीं ये एडमायर करेगा। और मैं मतलब ये दिस इज अ हार्ड फैक्ट कि दिस इज मेंस डोमिनेटेड वर्ल्ड, तो यहाँ ना कोई भी पुरुष जो है बहुत मुश्किल से किसी महिला की जो है तारीफ कर सकता है, वो भी काम के मामले में। ब्यूटी को तो एडमायर कर लेगा लेकिन काम को एडमायर कभी नहीं करेगा कोई, क्योंकि
बहुत रेयर ऐसा होता है कि जब आपके काम को पहचान मिले, और वो भी तब जब आप दुगना तिगना काम करके आप बिल्कुल ही सबकी आंखों में बिल्कुल ऐसे दिखोगे, सारी पब्लिक आपको पहचानेगी, तब वो आपके काम को थोड़ा बहुत जो है वो पहचान देना चाहेंगे। तो ये एक स्यूडो कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं सिचुएशन को, कि भाई एक ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है, ये इंसान ने इंसान के बीच में जो फर्क समझा है कि भाई ये महिला है ये पुरुष है, तो पुरुष कभी भी वो पहचान जो उसकी अपनी पहचान है वो महिला को नहीं देना चाहता है, कि भाई महिला का कभी मजाक करेंगे कि इनका तो दिमाग छोटा है, कभी कुछ इस तरह की बातें हम सुनते थे बचपन में कि भाई महिला का दिमाग कैसे छोटा है। तो दिमाग हमारा छोटा नहीं है, हमारा महीन है, महीन दिमाग में से हर चीज छन छन के जाती है और बड़ी अच्छे से ग्रैस्प होती है। तो उस कहीं ये कह सकते हैं कि दिमाग का साइज छोटा हो सकता है लेकिन उसकी जो कैपेसिटी है वो कम नहीं है। तो चैलेंजेस तो हर जगह है, जैसे कि मैंने कहा कि कोई भी आपके काम को एडमायर नहीं करेगा जब तक कि आप उसको दुगना तिगना करके आप उसको नहीं रिटर्न बैक करेंगे, और फीडबैक जब तक सारी जगह से अच्छी नहीं होगी तो कोई आपको अप्रिशिएट करना पसंद नहीं करेगा, तो उसमें चैलेंजेस और बढ़ जाते हैं। घर में जो है वो एक्सपेक्टेशन एक वाइफ से, एक माँ से, वही बच्चे वही एक्सपेक्ट करेंगे, हस्बैंड वही एक्सपेक्ट करेगा कि ठीक है ऑफिसर हो आप बाहर हो, घर में तो होना भी नहीं चाहिए कि भई आपका सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के हिसाब से भी ऐसा है कि भई बॉस तो घर में एक ही होता है, सारे बॉस बन जाएंगे तो घर नहीं चलेगा। तो कहीं ना कहीं वी हैव टू स्ट्राइक ए बैलेंस, घर में भी आपको एक बैलेंस करके चलना पड़ता है, नौकरी और घर के बीच में जो है वो एक आपको एक तारतम्य बना के चलना चलता है पड़ता है, एक कॉन्टिन्यूटी और एक रेगुलरिटी और एक जो है बैलेंस बना के चलना पड़ता है। और बैलेंस की सिचुएशन साइंस के हिसाब से ऐसी है कि इक्विलिब्रियम में आप ज्यादा देर तक नहीं रह सकते हो। तो संघर्ष तो बहुत बड़ा है, जो महिलाएं आगे आना चाहती हैं और जो पुलिस फोर्स ज्वाइन करना चाहती हैं वो एक तरह से अपना पर्सनल सेक्रीफाइस करके जो आना चाहती हैं वो आए, अदरवाइज पुलिस फोर्स में हमने ये भी सुना है कि लेडीज काम नहीं करती हैं, कुछ ना कुछ बहाने बनाती हैं। तो ये हमने भी सुना है और देखा भी है कि एक्चुअली जो है लेडीज बहाने नहीं बनाती हैं, क्योंकि लेडी जो है वो माँ भी होती है, पत्नी भी होती है, बहू भी होती है, उसको बहुत सारे रोल करने पड़ते हैं। आदमी का क्या है कि आदमी तो घर से निकला तो भाई ऑफिसर है तो ऑफिसर है, उसको ना घर वाले कहेंगे कि भाई ठीक है वो काम कर रहा है उसको नहीं छेड़ना, लेकिन माँ अगर ऑफिस में गई है और बच्चा पीछे से बीमार है तो बच्चा माँ के लिए रोएगा, बाप के लिए नहीं रोएगा, और अगर सास ससुर बीमार है तो वो बहू के लिए वो करेंगे कि बहू कहाँ है, अगर हस्बैंड बीमार है तो वो वाइफ को ढूंढेगा, लेकिन अगर बीवी बीमार है तो वो हस्बैंड को कभी नहीं कहेगी कि आप छुट्टी लेके बैठ जाओ घर में, या बच्चा बीमार है तो बच्चा भी कभी नहीं कहेगा कि पापा आप घर में बैठो मेरे साथ। ऐसे ही जो है सास ससुर बीमार है तो वो अपने बेटे को नहीं कहेंगे, कहेंगे नहीं ये तो बेचारा काम करता है ये तो ऑफिस जाना है इसको। तो सारी एक्सपेक्टेशन एक लेडी से ही होती है, उन एक्सपेक्टेशंस के साथ खरे उतरना और अपनी नौकरी में खरे उतरना, आपको अननेसेसरी छुट्टी भी नहीं लेनी है, अननेसेसरी आपको वहां से निकलना भी नहीं है, और आपको जो काम दिया जाता है वो भी पूरा करना है, वो भी टाइम पे पूरा करना है, क्योंकि पुलिस में तो हर काम बहुत फास्ट फास्ट होता है और बहुत क्विक डिसीजंस होते हैं, और उसके हिसाब से लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी में भी जाना पड़ता है, मेला ड्यूटी में भी जाना पड़ता है, सोलर एक्लिप्स ड्यूटी में भी जाना पड़ता है, ट्रैफिक ड्यूटी में भी जाना पड़ता है, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ ड्यूटीज है। तो अगर जिसको ये सेक्रीफाइस करना पसंद है देश के लिए तो वही लेडीज इस पुलिस फोर्स को ज्वाइन करें, अदरवाइज टीचिंग इज अ बेस्ट प्रोफेशन फॉर लेडीज, कि आप दो चार घंटे पढ़ाओ उसके बाद घर पहुंचो अपना आराम से बच्चों को अटेंड करो। तो जिसने बहुत बड़े लेवल पे सेक्रीफाइस करना है पर्सनल कंफर्ट्स का तो वो इस पुलिस फोर्स को ज्वाइन करें। मैं यही कहूंगी कि देखो कोई भी जर्नी आसान नहीं होती है, जो घरेलू औरतें हैं वो भी दिन में 3 टाइम खाना बनाती हैं तो वो दिमाग में जो है दरारें पड़ जाती हैं सोच सोच के कि आज क्या नया बनाया जाए जिससे बच्चे और हस्बैंड खुश रहे। तो काम वो भी छोटा नहीं है, महिला का काम कोई छोटा नहीं है, मतलब आप घर से लगा के और बाहर तक, घर में खाना बनाने से लेके हवाई जहाज उड़ाने तक,
कोई काम छोटा नहीं है, बशर्ते कि आप उसको पूरा दिल लगा के करें और आपका 100% उसमें होना चाहिए। अच्छा राजश्री मैम, चूंकि बहुत अच्छी बात कही आपने कि लड़कियां जो हैं वो सब करती हैं, फिर भी शायद एक मेंटालिटी होती है कह रही है तो कुछ नहीं करती। तो एक फूल जो होता है, जो एक खूबसूरत फूल, चाहे कोई भी फूल, वो देखने में भी बड़ा खूबसूरत होता है, लेकिन उसके बिना कोई काम नहीं हो सकता। आपकी एक बहुत ही अच्छी किताब, प्रसिद्ध किताब है, अधखिली, इसके बारे में मैम अगर आप कुछ बताना चाहें। मेरी किताब का नाम अधखिली धूप है, और कहीं ना कहीं इंसान को ये लगता है कि मेरा 100% जो मैं देना चाहती थी वो या तो सोसाइटी लेना नहीं चाहती या मुझे मौका नहीं मिला, अपॉर्चुनिटी नहीं मिली अपना 100% देने की। तो इसीलिए मैंने टाइटल रखा अधखिली धूप, कि आप आधे जो है वो शेडो में है और आधे धूप में है, आधा पार्ट ही लोग आपका जान पाए हैं आप क्या करना चाहते हो, आपका पूरा पार्ट आप नहीं, आप मतलब आप 100% अपना नहीं दे पाए हो, येट टू गिव इट 100%। और इसमें अभी मतलब आपकी कुछ ना कुछ तमन्नाएं, कुछ ना कुछ आकांक्षाएं, कुछ ना कुछ आशाएं रह जाती हैं, तो इसलिए मेरी किताब का टाइटल जो है अधखिली धूप है। कहीं ना कहीं इसमें जो है कुछ पुराने एक्सपीरियंसेस, कुछ समाज में जो कुछ हम देखते हैं, तो मेरी आदत है कि अगर मैं किसी को दुख में देखती हूँ तो मैं उसके अंदर घुस जाती हूँ कि अगर मैं उसकी जगह होती तो मेरे साथ क्या, मैं क्या फील कर रही होती। तो उसी फीलिंग को लेके मैंने ये किताब लिखी है, और इसमें पुलिस के बारे में भी लिखा है, बहुत सारी चीजों के बारे में लिखा है, हर वर्ग के लिए लिखा है, बच्चों के लिए, कॉलेज गोइंग बच्चों के लिए कि वो कैसा फील करते हैं, और बुजुर्गों के लिए, सब लोगों के लिए लिखा है, महिलाओं के लिए। तो ये किताब जो है एक मतलब इसमें 9 के 9 रस हैं, और आप इसमें ये नहीं कह सकते कि इसमें एक ही रस में है, क्योंकि मुझे इतने ज्यादा कुछ पोएट्री का पता नहीं है, लेकिन मैं लिखती बहुत सालों से आ रही हूँ। एक प्रोफेशनल जो है कवियत्री होना एक अलग बात है, और एक अपने विचारों को कागज पे उतारना वो एक अलग बात है। मतलब तुकबंदी मिला के और एक वर्ड्स का ज्ञान जो है वो कहीं ना कहीं आपके दिल की बात को जो है वो गोलमोल कर देता है। जो आपके दिल में आ रहा है आप वही उतारोगे तो आप उस चीज के साथ न्याय करोगे, अगर उसको शब्दों में पिरो दिया तो वो जो है कहीं ना कहीं बेईमानी हो जाती है अपने सेंटिमेंट्स के साथ। तो जैसा मेरे दिल में आया मैंने लिखा, मुझे लगता है कि किताब अच्छी है और सबको पढ़ना चाहिए, और पहली किताब है तो थोड़ा एंथुजियास्टिक भी हूँ कि सब लोग पढ़ें, तो बस यही कहना चाहती हूँ किताब के बारे में। आप ये किताब सब पढ़ें और वाकई उससे कहीं ना कहीं हौसला भी मिलेगा, और जैसे कि आपने किताब का शीर्षक बताया, जो टाइटल है किताब का वो है अधखिली धूप, तो हमारे साथ जितने भी व्यूअर्स जुड़े हुए हैं अगर आपको ये किताब मिल जाती है तो आप जरूर पढ़िए। बिल्कुल, और मैम ने जैसे कि बताया कि इस पूरे बुक में अधखिली धूप के माध्यम से मैम ने ये इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की थी कि फ्रेंडली पुलिसिंग का या जो पुलिसिंग सिस्टम का मैम का कॉन्सेप्ट है ये टू बी अचीव्ड है, और उसको करना है या अभी सोसाइटी को जो चाहिए चीज वो मैं दे नहीं पा रही हूँ, इस तरीके से ये एक तरीके से बुक का जो जिस्ट है अधखिली धूप, मैम ने आपके साथ जिक्र किया, ये बिल्कुल इंस्पायरिंग बुक है। और आप तमाम यूथ अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो इस बुक को आप पढ़ सकते हैं, अधखिली धूप बुक को। और मैम इस पूरे बुक में आप थोड़ा सा मुझे, मैं ये जानने की कोशिश कर रहा था कि कहीं जो कि हार्ड टाइम में चैलेंजेस आते हैं बहुत सारे यूथ के साथ, क्योंकि बेसिकली मैं देखता हूँ तो प्लस टू के जो बच्चे होते हैं या ग्रेजुएट लेवल के बच्चे होते हैं, चाहे वो जिस भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं, चूंकि आपने भी एक दौर में तैयारी किया है सिविल सर्विसेज का, सो मैम इन इन बच्चे को एक कॉन्सेंट्रेशन के साथ फोकस्ड स्टडी के लिए आप थोड़ा इनको टिप्स दीजिए, किस तरीके से इनको अपना डेली का जो स्टडी के प्रति इनका फोकस है, अटेंटिवनेस है, उसको बनाए रखे, और कुछ हार्ड टाइम भी आते हैं उस हार्ड टाइम के सिचुएशंस को कैसे टैकल किया जाए। जी देखिए, जो भी एंट्रेंस एग्जाम होता है वो 12th के बाद होता है, और वो बड़ी टेंडर एज होती है, उसमें एक ऑपोजिट सेक्स के लिए अट्रैक्शन भी होता है, और बहुत सारे बच्चे जो हैं वो लव अफेयर्स और बहुत सारे बच्चे जो है ना इस तरह की चीजों में फंस जाते हैं,
और कई बार जो है वो रिस्पॉन्स अगर उधर से नहीं आ रहा होता है दूसरी साइड से, वन साइडेड अफेयर कह लो, तो बहुत दिल टूट सा जाता है लोगों का और बहुत ही डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। तो वो सब चीजें नहीं होनी चाहिए जिंदगी में। और असल में जिंदगी का इम्तिहान जो है उसी एज से शुरू होता है जिस एज में आपका दिमाग भटकने लगता है, आपका दिल भटकने लगता है, तो उसको कंसंट्रेट करने की जरूरत है। और क्योंकि मतलब बच्चों को जो है वो फ्रेंड्स बना के रखना चाहिए माँ बाप को, कि आपको बचपन से ही आदत डालनी चाहिए कि वो हर चीज आपके साथ शेयर करे स्कूल से आके, तो उसमें फिर बच्चे के भटकने का कोई वो नहीं रहता है, चांस नहीं रहता है। और वो जब हर चीज आपसे शेयर करेगा तो अपनी मुश्किलें भी उस आसान हो जाएंगी उसकी, और आप भी उसको अच्छे से गाइड कर सकोगे। अगर आप माँ बाप ही बने रहे सिर्फ, तो फिर वो सब नहीं हो पाएगा जो आप करना चाहते हैं जिंदगी में, कि बच्चे हमारे ये बने वो बने, वो सब नहीं हो पाता है फिर। तो कहीं ना कहीं बच्चों को फ्रेंड्स बना के चलना चाहिए, और बच्चे भी क्योंकि ये सोचें कि भाई माँ बाप से अच्छा फ्रेंड कोई नहीं है। माँ बाप जो है अच्छे से गाइड करेंगे, बच्चे की कोई भी प्रॉब्लम है वो बच्चे को शेयर करनी चाहिए माँ बाप के साथ, उनसे ज्यादा भला हमारा जिंदगी में कोई और नहीं सोच सकता है, ये बिल्कुल हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए। और जो बच्चे अपने माँ बाप का रिगार्ड करते हैं, जो बच्चे अपने माँ बाप को जो है सम्मान देते हैं, वो बच्चे हमेशा सफल रहते हैं जिंदगी में, चाहे वो थोड़ा कमाए ज्यादा कमाए, लेकिन एक सक्सेसफुल इंसान वो होता है जो अपनी जिंदगी में हैप्पी है, कंटेंटेड है। कोई रैंक और कोई उससे पद से और कोई वो, ये खुशी नहीं मिलती है। ये खुशी जो है मोमेंटरी होती है, क्षणिक होती है, ये खुशी ज्यादा देर नहीं चलती है। ज्यादा देर खुशी वो चलती है कि हमने अपनी पूरा 100% किसी भी काम को दिया, हम अंदर से खुश हैं, अंदर से सेटिस्फाइड हैं कि हमने जो किया अच्छा किया और पूरा 100% दे के किया। तो जो जो बच्चे भी कॉम्पिटिशन में जाना चाहते हैं, मेरे लिए 7 D's जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले तो आप ड्रीम करो, कोई चीज को आप जो है ड्रीम करोगे कि मुझे ये बनना है, सबसे पहला जो है वो आपका ड्रीम करना बहुत जरूरी है। आप एक सपना सजोते हो कि भाई मुझे डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है या मुझे ये करना है या मुझे नेता बनना है, कुछ भी बनना है, तो उस तरफ आप तभी जो है काम करना शुरू करोगे जब आप ड्रीम करोगे पहले। दूसरा पॉइंट जो है वो डिजायर, आपके अंदर इतनी तेज इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि आपने जो ड्रीम किया है उसके तरफ आप चलें और उसको 100% देके सक्सेसफुल बनाएं। आपका जो है फिर उसके बाद आप डिजाइन करते हैं कि आपको उस तरफ जाना है तो क्या क्या जो है मेजर लेने हैं आपको, कि किस किस तरह से आपको क्या क्या स्टेप लेके उस तरफ बढ़ना है आगे। अगर आपको कोई कंपटीशन देना है तो क्या क्या तैयारी करनी है और किस किस तरह से करनी है, किससे कोचिंग लेनी है, कहाँ से आपने इंटरव्यू की तैयारी करनी है, कहाँ से आपने प्रीलिम्स, कहाँ से मेंस, कहाँ से इंटरव्यू, ये सब किस किस तरह से और कितना कितना मंथ और कितना टाइम देके एक एक सब्जेक्ट को आपने तैयारी करनी है। वो सब्जेक्ट आपने पूरा अपने सिलेबस के हिसाब से आपने डिवाइड कर लेना है और हर रोज का सिलेबस आप जो है हर घंटे में आप जो है ये निश्चित करेंगे कि आपने आज इतना पढ़ना है। और उसके बाद जो है 1 घंटे के बाद 5 मिनट का रेस्ट या 10 मिनट का रेस्ट ले लें, उसके बाद फिर अगले घंटे में आप दूसरा सब्जेक्ट पढ़ें, क्योंकि एक सब्जेक्ट पढ़ने से बोरियत हो जाती है। एक सब्जेक्ट कॉन्टिन्यूसली मत पढ़ें, और मतलब जो है हर रोज आपका सब्जेक्ट जो है वो उससे आगे, जैसे आज एक चैप्टर किया, 1 घंटे बाद आपने ब्रेक लिया, उसके बाद दूसरे घंटे में दूसरा किसी सब्जेक्ट का चैप्टर किया, तो उससे बोरियत नहीं होगी और आपका दिमाग हमेशा फ्रेश रहेगा। चौथा पॉइंट जो है वो डिसिप्लिन है। आप सुबह जल्दी उठे, लेट उठे, वो कई बच्चों की आदत होती है रात को पढ़ने की, रात को पढ़ते हैं, सुबह लेट उठते हैं, तो कोई भी किसी भी तरह से पढ़े, लेकिन आपको एक डेडिकेटेड आवर्स आपको देने पड़ेंगे कि आपने इतने घंटे पढ़ना ही पढ़ना है और ये चीजें करनी ही करनी है। जो आज चैप्टर आपने पूरा करना था वो आज ही करना है, आपने उसको पेंडिंग नहीं छोड़ना है कि कल कर लेंगे। तो इस तरह से आपकी डेडिकेशन और डिसिप्लिन, आपने सुबह जल्दी उठना है तो जल्दी उठना है बस, आपने एक्सरसाइज करनी है तो उसका एक टाइम पीरियड होना चाहिए, आपने टीवी देखना है तो उसका एक निश्चित समय होना चाहिए, उसके बाद नहीं देखेंगे आप। तो ये डिसिप्लिन जो है, सेल्फ डिसिप्लिन जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है।
फिर आपने डेडिकेशन, हर काम को पूरी तवज्जो से करना है, दिल लगा के करना है, अध कचरा हाफ कॉक चीज कोई नहीं चलेगी, उससे आपको कभी सफलता नहीं मिलेगी, आप हमेशा एक उसमें लर्ज में रहेंगे और आप हमेशा लटकते रहेंगे, एक आधा सा मन, उससे कुछ नहीं होता है, आधे मन से कोई काम नहीं होता है, आप पूरा का पूरा अपनी तवज्जो उसी में लगाएंगे, उसी काम में। बच्चों का कोई और काम नहीं है, पढ़ाई लिखाई करना ही है और अपने एम को अचीव करना है, उसी से माँ बाप खुश हो जाते हैं, माँ बाप को कुछ ज्यादा नहीं चाहिए होता है। और काफी लोग बच्चे जो है ना ये समझते हैं कि हम जो है पढ़ के बहुत एहसान कर रहे हैं माँ बाप के ऊपर, तो ऐसा भी कुछ नहीं है, आप अपने लिए पढ़ रहे हैं और आपका फ्यूचर अच्छा रहे इसलिए आप कमा के खाएं आराम से, उसी में माँ बाप को खुशी है। और मेरे ख्याल से आप सब लोगों को ये बात बाद में समझ आएगी, लेकिन फिलहाल अगर आप जो बच्चा अभी समझ जाएगा वो सफलता जरूर हासिल करेगा, ये मेरी पक्की वो है कि जो बच्चा काम करता है पूरी तवज्जो से उसको जरूर जो है अच्छा फल मिलता है। फिर जो है वो डेस्टिनेशन, आपका एम क्या है, उद्देश्य क्या है, आप उस उद्देश्य की तरफ हमेशा बढ़ते रहें और आप अपने जो निश्चित पॉइंट है उस पर पहुंचे, तो आपको उस पर टिके भी रहना है, ये नहीं कि आप IPS हो गए और उसके बाद आपने कुछ नहीं करना है जिंदगी में, आराम से पड़े रहना है, तो ये भी नहीं होगा। उस स्टेटस को मेंटेन करने के लिए भी आपको उससे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, उससे ज्यादा जो तवज्जो देनी पड़ेगी, क्योंकि जिस एम को आपने इतनी मेहनत से अचीव किया है उसको मेंटेन भी करके रखना है उस स्टेटस को, और आपको ये भी दिखाना है कि आपने ये सफलता हासिल की है, वो उसके पीछे एक जो है उद्देश्य है, वो ये है कि आपने जनता को न्याय देना है। ये पुलिस सर्विस में आप इमीडिएट जो है आप डिलीवरी ऑफ जस्टिस कर सकते हैं, आप मतलब आप इमीडिएटली न्याय कर सकते हैं लोगों के साथ, एक्सपीरियंस के साथ आपको ये भी पता चल जाता है कौन झूठ बोल रहा है कौन सही बोल रहा है, इन्वेस्टिगेशन से पता चल जाता है, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करते हैं, आसपास के लोगों से बात करते हैं, और आप जब इस तरह की इन्वेस्टिगेशन करते हैं कई साइंटिफिक एविडेंस इकट्ठे करते हैं तो सारी चीजें पता चल जाती है पुलिस ऑफिसर को, और उसमें आप इमीडिएटली न्याय दे सकते हैं जो एग्रीव्ड पार्टी है उसको। तो मेरे ख्याल से इससे इतना जल्दी तो जज भी नहीं कर पाते सारा काम, क्योंकि वो भी एक बाकायदा एक प्रोसीजर होता है, लेकिन हम लोग जो है जैसे ही आप मौका वारदात पे पहुंचते हैं जो सीन ऑफ क्राइम है वहीं पे आपको जाते ही बहुत कुछ समझ में आ जाता है कि कैसे क्या हुआ होगा, तो आप इमीडिएटली जो है जस्टिस डिलीवर कर सकते हैं। फिर है डिवोशन, जो काम आपने पकड़ा है उसको पूरी डिवोशन के साथ आप करिए, और जो इतनी मेहनत के साथ किया है आपने सफलता अचीव की है वहां तक पहुंचने में, उसको मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा भी मेहनत करनी पड़ती है, रातों को जागने भी पड़ता है, पेट्रोलिंग पे भी जाना पड़ता है आपको, अगर कोई ऐसा कोई कुछ हो गया है, कोई मर्डर हो गया है, कोई इंसिडेंट हो गया है, तो आपको मौके पे रात को पहुंचना भी पड़ता है, चाहे सर्दी की रात है गर्मी की रात है, तो वो सब नहीं होता है, वो फिर वर्दी वाले के ऊपर कोई असर नहीं करती वो चीजें, बरसात भी है धूप भी है कभी जो है बहुत ज्यादा ठंड भी है फॉगी भी है तो भी आपको रात को पेट्रोलिंग पे जाना है। मुझे याद आता है कि मेरे दोनों बच्चे बहुत छोटे थे तो मेरी पोस्टिंग कालका में थी, कालका में DSP थी और हमारा बहुत सारा हिली टेरेन है तो वहां पे जो है बहुत फॉग वॉग ज्यादा पड़ती है तो कभी कभी ऐसा होता था कि आपको गाड़ी के 2 फुट दूर पे भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो बहुत धीरे धीरे गाड़ी चलती थी, लेकिन दोनों बच्चे जागते रहते थे कि आज मम्मा को पेट्रोलिंग पे जाना है, तो दोनों बच्चों को मैं ब्लैंकेट लेके और साथ में बिठाती थी और रात को 11 बजे से 4 बजे तक पेट्रोलिंग वो मेरे साथ करते थे, तो कभी कभी मेरे हस्बैंड भी जैसे छुट्टी आए तो हम सारे ही पेट्रोलिंग पे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मतलब वो सारी डेडिकेशन वो बहुत अच्छा लगता है जब आप याद करते हो, एक तरह से सरकार तो मतलब एक ही जगह 2 ऑफिसर मिल रहे हैं आपको एक ही सैलरी में, तो और साथ में बच्चे भी, बच्चे जो है वो मतलब ऐसे हो गए थे कि हर चीज को, क्योंकि पुलिस वालों के बच्चे हैं कि भैया देखो ये ट्रक खड़ा है जो है ना इसको चलान करो,
चाहे बच्चे बोलना मतलब ही सीखे थे, उनको ज्यादा पता नहीं था कि चलान क्या होता है, लेकिन सुन सुन के वो ग्रैस्प करते हैं। बच्चों की ग्रैस्पिंग पावर बहुत अच्छी होती है। भैया इसके डॉक्यूमेंट्स चेक करो, इसका चलान करो। और मुझे याद है कि उस वक्त जो है अल्कोहल बैन था हरियाणा में, तो नशाबंदी थी। और एक दिन एक बंदा जो है वो उसका स्कूटर की तरफ आ रहा था अपने, और ऐसे हिलते हुए आ रहा था, और साथ में एक बॉटल भी थी। तो वो मेरा बेटा कहता है कि मम्मा देखो इसने दारू पी हुई है, इसने ड्रिंक किया हुआ है। तो वो उसको सुन गया तो वो बेचारा हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, कहता नहीं मैडम मैं तो जो है ये मेरे स्कूटर का पेट्रोल खत्म हो गया था वो लेके आ रहा हूँ। तो इस तरह से बच्चे भी जो है वो उस माहौल में रहते हैं, तो वो भी उस चीज के लिए अवेयर हो जाते हैं, और पूरा घर आपकी बात को समझने लगता है कहीं ना कहीं कि आप जो कर रहे हैं वो देश की भलाई के लिए, सोसाइटी की भलाई के लिए कर रहे हैं। तो उसमें सब लोगों का हिस्सा होता है, और सब लोगों की डेडिकेशन और सब लोगों का सेक्रीफाइस होता है। मेरे बच्चों ने जहाँ अपनी नींद खराब की, मेरे हस्बैंड ने अपनी छुट्टियां खराब की और हमारे साथ होलिए और टाइम खराब किया, वरना उस वक्त वो सो भी सकते थे, बच्चे भी सो सकते थे। तो मतलब एक तरह से पूरा घर इन्वॉल्व हो जाता है कोई लेडी जब काम करती है तो। और ऐसे ही जब लेडी काम करती है तो उससे एक्सपेक्टेशंस भी बहुत होती हैं। तो ये पर्सनल सेक्रीफाइसेस तो जो करने के लिए तैयार है वो महिला आगे आए और करे काम। बिल्कुल, एक एक किसी से रिलेटेड क्वेश्चन मैम मैं आपसे जानना चाहूंगी। जो लड़की, जो भी लड़कियां हरियाणा पुलिस को ज्वाइन करना चाहती हैं, उनके लिए आप ऐसे क्या टिप्स देना चाहेंगी, क्या ऐसा मैसेज देना चाहेंगी आप उनको? देखिए महिलाओं के पास पावर की कमी होती है, और बेसिकली जो है एक वीकर सेक्स में काउंट होती है। तो क्योंकि पावर की कमी होती है, अगर आप HCS भी हो तो आपको मतलब उतनी पावर नहीं मिल सकती जितनी एज ए DSP या जब पुलिस ऑफिसर है। आप वर्दी में होते हो, आपके साथ कोई बदतमीजी नहीं कर सकता, आपके साथ कोई जो है कोई आपको बुरा नहीं बोल सकता, कोई आपकी तरफ आंख उठा के नहीं देख सकता, कोई आपको जो है टॉर्चर नहीं कर सकता, कोई आपके आपके साथ जो कोई और तरह की जो बदतमीजियां होती है वो नहीं कर सकता। तो एक पुलिस यूनिफॉर्म में बहुत पावर है, और लड़कियों के पास पावर की हमेशा कमी रही है। तो वन शुड बी विजिबल ना कि भाई मेरे पास पावर है, तभी तो कोई सम्मान करेगा। हमें सम्मान की बहुत जरूरत है। आज भी मैं देखती हूँ कि महिलाओं के साथ बहुत अत्याचार होते हैं, पढ़ी लिखी लड़कियों के साथ भी बहुत अत्याचार होते हैं, और इन सब चीजों को समाज को जो है काफी टाइम लगेगा सुधरने में। तो अच्छा यही है कि लड़कियां पुलिस फोर्स ज्वाइन करें, ताकि वो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है कि भाई हाँ मेरे पास वर्दी है और मैं कानून को जानती हूँ और मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं कमाती हूँ। तो ये सब चीजें जो है वो एक आत्मविश्वास जो पैदा होता है इस फोर्स को ज्वाइन करने के लिए, तो वो बहुत जरूरी है हमारे लिए। करेक्ट, और बिल्कुल मैम, जैसे कि अभी मैं पॉइंट्स आपके कुछ नोट कर रहा था, और तमाम जो यूथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन बच्चों के लिए भी ये मैसेज है मैम के माध्यम से। ये जो मैम ने 4D वाला कॉन्सेप्ट दिया है ना कि 7D है क्या? 7D, अच्छा 4D को मैंने कैस करा, ठीक है। सो पहले तो आपको सेल्फ डिसिप्लिन होना पड़ेगा। आप जो भी डेस्टिनेशन, आप जिस भी चीज की तैयारी कर रहे हैं, जो भी आपका एम है, उसके लिए आपको मैं इसको रिपीट कर देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इज ड्रीम, दूसरा है डिजायर, तीसरा है डिजाइन, चौथा है डिसिप्लिन, पांचवा है डेडिकेशन, छठा है डेस्टिनेशन, और सातवां है डिवोशन। करेक्ट। तो ये 7Ds जो है ये एक मैं ये कहूंगी कि काफी हद तक आदमी को सक्सेसफुल बनाते हैं। करेक्ट, और तमाम जो बच्चे जुड़े हुए हैं ये 7D ना आपको एज इट इज रिकॉर्डेड फॉर्मेट में बेटा मिलने वाला है। आप जो भी प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं सफलता.com से आज बसंत पंचमी में, और सफलता टॉक के माध्यम से आपको हमारी पहल रहती है कि हम कोई नए गेस्ट से आपको रूबरू करवाएं, और उस गेस्ट के पास जैसे कि मैंने बताया कि हमने काफी अच्छे रैंक्स के बच्चों को भी इस प्लेटफॉर्म पर लेकर के आते हैं, और उनकी स्ट्रेटजी और उनकी जर्नी को हम जानते हैं। और इस कड़ी में सफलता टॉक में आज हमारे साथ है डॉक्टर राजश्री सिंह।
आईपीएस एंड तमाम बच्चों के जो क्वेश्चंस है एंड 70 वाला जो कॉन्सेप्ट है बच्चों आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में ये अवेलेबल रहेगा। सो इस सेशंस को आप दोबारा भी डाउनलोड कर सकते हैं या इस अपने फ्रेंड तक को शेयर कर सकते हैं ताकि 70 का कॉन्सेप्ट बच्चे जान पाए एंड पुलिस जो सिस्टम है या फ्रेंडली पुलिसिंग सिस्टम है उसमें मैम ने बताया कि विमेन जो भी पुलिस सर्विसेज को ज्वाइन करना चाहती हैं चाहे वो कांस्टेबल रैंक की बात करो या सब इंस्पेक्टर की बात करो या हरियाणा पुलिस सर्विस कमीशन से यानी हरियाणा स्टेट सिविल सर्विसेज की बात करो, आप किसी भी मीडियम से अगर आप पुलिस सर्विसेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको चैलेंजेस भी पता है लेकिन चैलेंजेस जो है उस चैलेंजेस के माध्यम से आप कैसे डॉक्टर राजश्री सिंह जैसे निकलते हैं उस चीज को आपको एक एक प्लान लेआउट बनाने पड़ते हैं और बिल्कुल आप पुलिस की जॉब कर सकते हैं। और आपको मैम ने एक चीज और भी आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की कि आप एडमायर तभी किए जाएंगे जब आप अपने एफर्ट से डबल ट्रिपल एफर्ट करते हो और जैसा कि बहुत सारे कम लोग ही कर पाते हैं और बतौर पुलिस में आप बहुत अच्छा कर सकते और यूनिफॉर्म आपको पता है यूनिफॉर्म जॉब को हमेशा एक सैल्यूट के तौर पे देखा जाता है तो वो भी चीज है। सो आप कंट्री के लिए एंड साथ में स्टेट के लिए और जिस भी आप डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड है वहां के लिए आप प्राइड है और आप अपने फैमिली के लिए खुद के लिए बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो बस ये डेडिकेशन चाहिए आपको, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वहां पे डेडिकेशन अगर आपका 100% है, फोकस्ड है आप, साथ में आपके घर वाले अगर सपोर्टिव है जैसा कि मैम ने बताया कि ड्यूटीज में मैम के हस्बैंड भी थे और छोटे छोटे दो ऑफिसर भी थे जो कि चलान वाली बात मैम बता रही थी कि बच्चे चलान का भी जिक्र करते थे, तो कंप्लीट सपोर्ट मिला और आप अच्छा एफर्ट लगाइए, आप ग्राउंड में आइए और 100% यू कैन डू एनीथिंग, है ना। सो आप एक रैंकर्स की तरह पढ़ाई कीजिए और बिल्कुल आज नहीं तो कल आप एक अच्छा रैंक ला सकते हैं बतौर आप दूसरा जितनी भी लेडीज जुड़ी है आप डॉक्टर राजश्री सिंह कॉपी 2 बन सकते हैं। सो इस दौर में पल्लवी हम बच्चों का एक बार नाम भी ले लें, काफी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अंचल श्रीवास्तव, लोकेश, साथ में हमारे साथ शिल्पा चटर्जी हैं एंड विवेक यादव, ये तमाम बच्चे पल्लवी जुड़े हुए हैं एंड प्रियंका जुड़ी हुई है हमारे साथ, प्रेम प्रकाश है, ये तमाम बच्चे जुड़े हुए। एक बच्चे का क्वेश्चन हमारे पास ये आ रहा है पल्लवी कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो होते हैं उनको थोड़ा सा ये रहता है कि क्या मैं हिंदी मीडियम से स्टेट सिविल सर्विस या यूपीएससी का सिविल सर्विस क्रैक कर सकते हैं क्या, तो इस पे मैम से मैं थोड़ा सा जानने की कोशिश करूंगा एंड तमाम बच्चों का वेलकम है सफलता.com के प्लेटफॉर्म पर। ये सेशंस आपको एज इट इज रिकॉर्डेड फॉर्मेट में अवेलेबल है और आप इस सेशंस को अपने फ्रेंड को, आपकी जो भी कम्युनिटी है, आप जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हैं वहां पे आप इसको शेयर कर सकते हैं ताकि आपके तमाम फ्रेंड जो भी गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे होते हैं 70 कॉन्सेप्ट को जान करके एक एक, एक एक जो प्लान मैम ने यहाँ पे बताया आप लोगों को बताओ, हम मैम की कहानी को जान रहे थे स्टार्टिंग फ्रॉम 90 डीएसपी से आईजी बनने की जर्नी को। सो आप इस पूरी जर्नी को एज इट इज आप देख सकते हैं सफलता.com के प्लेटफॉर्म पर और सफलता क्लास के यूट्यूब चैनल पर। सो मैम ये थोड़ा जरूर मेरे को भी गाइड कीजिए कि जो ये हिंदी मीडियम वाले बच्चे होते हैं खास करके इनके क्वेश्चंस होते हैं कि यूपीएससी में इंग्लिश मीडियम के बच्चे का सिलेक्शन ज्यादा होता है या हरियाणा स्टेट सिविल सर्विसेज की बात करूं तो इस पे थोड़ा सा मेरे को कुछ नहीं है। देखो थोड़ा एडवांटेज तो मिलता है जिनको इंग्लिश आती है और प्रॉपरली जो लिख सकते हैं बोल सकते हैं और एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने आप को, लेकिन हिंदी मीडियम वाले तो बहुत सारे स्टेट्स हैं और बहुत सारे सभी स्टेट्स से बच्चे आते हैं, यूपी से आते हैं और बिहार से आते हैं, राजस्थान से आते हैं, तो बहुत सारे बच्चे हिंदी मीडियम वाले होते हैं। आपको जो है मेहनत करनी है बस, वो चाहे हिंदी में करो या इंग्लिश में करो वो तो बराबर ही है ना। और कई कई जैसे सब्जेक्ट होते हैं वो बहुत स्कोरिंग होते हैं, तो बात ये है कि आप जिस भी मीडियम में आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपको अपनी बात को पूरी तरह से समझाना है और खुद भी पहले खुद समझना है कि आप कहना क्या चाहते हो, तभी तो आप एक्सप्रेस कर पाओगे ना। इतना मुश्किल भी नहीं है हिंदी मीडियम वालों के लिए, बहुत सारे बच्चे आते हैं, यूपी से आते हैं, बिहार से आते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। और बिहार तो हमेशा टॉपर रहा है यूपीएससी में, तो काफी ब्रेनी लोग हैं वहां पे, बहुत बच्चे जो है बहुत मेहनत करते हैं, मेहनत है एक्चुअल में मेहनत है, तो मेहनत करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। हिंदी मीडियम क्यों को मेहनत जरूर करनी है क्योंकि अगर उनको आगे बढ़ना है, और जैसा राजश्री मैम ने पहले भी बताया कि आप डेडिकेशन आप में होनी चाहिए, डिवोशन होना चाहिए, नहीं कि अगर आपका एक टारगेट क्लियर हो गया
और उस टारगेट को लेकर आप बैठ गए कि अरे हमने तो अपना टारगेट अचीव कर लिया, लेकिन वहां पर आपकी लाइफ खत्म नहीं होती, आपको और चैलेंजेस फेस करने होते हैं और ढेर सारे टारगेट्स आपके अपने जीवन में, एक टारगेट के अलावा भी एक दूसरा टारगेट रखिए ताकि जब उस टारगेट को आप क्लियर कर लें तो उसके बाद दूसरे टारगेट की तरफ आप मूव ऑन करें, क्योंकि जिंदगी कभी खत्म नहीं होती, इसमें बहुत सारे संघर्ष होते हैं और खासतौर से राजश्री मैम ने बताया कि लड़कियों की लाइफ में तो सच में बहुत ज्यादा स्ट्रगल्स होते हैं, तो उनको कैसे उनसे पार पाना और कैसे खुद का नाम आपको रोशन करना है और देश के लिए कैसे अपने आप को आगे बढ़ाना है, उसमें जितने भी ट्रिक्स एंड टिप्स राजश्री मैम लगातार उन्होंने बताया 7D के फॉर्मेट में, दिलीप ने कहा कि आपको तमाम ये जो बातचीत है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगी और इसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली में किसी भी मेंबर के साथ, अपने भाई, दोस्तों, बहन, किसी के साथ भी इसको शेयर करना मत भूलिएगा। खास तौर से ये प्रोग्राम जो हमने आज रखा है वो सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए है और आज सरस्वती पूजा का दिन है और खास तौर से वो लड़कियां जो पुलिस में जाना चाहती हैं, जो हरियाणा पुलिस ज्वाइन करना चाहती हैं, उनके लिए आज हमने ये सेशन रखा है ताकि वो चीजों को समझे और हर उन संघर्ष की कहानियों को उस के जुबान से सुने जिसने खुद उस संघर्ष को जिया और उसके बाद अपना एक नाम बनाया, एक लैंडमार्क स्थापित किया। और वाकई आइडल अगर हम किसी को बनाते हैं तो उसको फॉलो करना भी हमें आना चाहिए और उनकी कुछ बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए। दिलीप, कुछ अगर सवाल है तो अगर आप पूछना चाहें। बिल्कुल। सो बच्चों, ये सफलता की जर्नी में मैम के माध्यम से मेरे पास इनपुट आया। हमारी कोशिश ये रहती है बच्चों की हम आपको मोटिवेट करते हैं, बट चूंकि आपका प्लान जो आप बनाते हो, जो आपका डेस्टिनी है, जिस चीज को आप अचीव करने चाहते हो, उसके लिए आपको एक टाइम बाउंड स्टडी करनी होती है और उस टाइम बाउंड स्टडी के लिए आपको एक सर्टेन आपके लिए, अपने लिए, खुद के लिए एक डिसिप्लिन बनानी होती है और आप कोई भी चीज को अचीव कर सकते हो। इस पहल के अंतर्गत हमने बच्चों जो भी हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, यूट्यूब से या हमारे फेसबुक चैनल के माध्यम से, उन बच्चों के लिए एक मैसेज ये है कि हरियाणा पुलिस कॉन्स्टेबल का जो अभी नोटिफिकेशन है बच्चों, इसको एक्सटेंड कर दिया गया है 25 फरवरी तक। सो हमारी कोशिश ये रहती है कि सफलता टॉक के माध्यम से हम आपको प्रोडक्ट से भी ब्रीफ करें ताकि जो भी एप्लीकेशंस फॉर्म आते हैं, आपको बता दूं बच्चों कि हर चीज का इक्वल वेटेज है। आप फॉर्म की प्रक्रिया को कंप्लीट करते हो, आपकी पहले तैयारी होती है, फिर फॉर्म की प्रक्रिया को कंप्लीट करते हो और उसके जितने भी स्टेजेस होते हैं, वेदर इट इज फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और रिटेन एग्जामिनेशन, हर एक इक्वल वेटेज आपका कैरी करता है, चाहे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राउंड हो। सो हर एक चीज को हमें इक्वली देखना होता है और फॉर्म की प्रक्रिया, जैसा कि अभी मेरे को अपडेट आया, 25 फरवरी तक इसकी रखी गई है। इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको सफलता.com पर मिल जाएगी। सो 25 फरवरी तक जो भी वेमेन और जो भी हमारे साथ वेमेन जुड़ी हुई हैं, अगर फॉर्म नहीं भरी है, जो भी बॉयज जुड़े हुए हैं, अगर फॉर्म की प्रक्रिया को कंप्लीट नहीं किए हैं, तो आप इसको भर सकते हैं। और कोशिश ये करना है कि हरियाणा पुलिस ज्वाइन करने के बाद भी आप हरियाणा स्टेट सिविल सर्विसेज के प्रति भी अपना रुझान रखिए। और मैं बता दूं कि पल्लवी, अभी जैसा कि हम लोग जिक्र कर रहे थे कि आप ना एक पोस्ट के बाद आपको रुकना नहीं है, फिर बड़े पोस्ट के लिए बतौर आपको मूव करना है। और मैम से भी मैं सुन भी रहा था कि सीनियरिटी लेवल पे ADG एंड DG होते हैं, तो उसपे भी हम जिक्र कर रहे थे कि मैम की अभी भी कोशिश है। और IG एक बतौर IG बहुत ही बड़ा रैंक होता है और बहुत कम ही IPS होते हैं जो IG रैंक तक को भी अचीव करते हैं। सो उसके माध्यम से मैं बता दूं कि मैम अगला ADG का जो मैम का टारगेट है, ऐसे आप सब्सिक्वेंटली अपने टारगेट्स को बनाइए, पोस्ट सिक्योर कीजिए एक जॉब को और उस जॉब के माध्यम से आप जिस भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उसके हायर रैंक की तैयारी के लिए आप लग जाइए। और चूंकि एक सर्टेन एज लिमिट तक ही इस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को आप क्रैक कर सकते हैं, तो आपको टाइम बाउंड स्टडी करनी होती है और आप इस चीज को बिल्कुल अचीव कर सकते हैं। जी। एक आखिरी सवाल मैम आपसे, चूंकि आज जो हमने बहुत सारे डिस्कशंस किए हैं, जाहिर है कि उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा हमारे व्यूअर्स को, हमारे जो खास स्टूडेंट्स इस वक्त जुड़े हुए हैं। जब हम बात महिलाओं की करते हैं, लड़कियों की करते हैं, तो करियर में उन्हें बड़े हार्ड टाइम्स झेलने पड़ते हैं। करियर के अलावा उनको अपनी लाइफ में भी बड़े हार्ड टाइम्स झेलने पड़ते हैं। अगर उनकी शादी हो गई तो हो सकता है जो ससुराल पक्ष के लोग हैं वो उनको आगे बढ़ता हुआ या आगे पढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते हैं, या जब अगर वो अपने घर में है तो उनके मम्मी पापा का सपोर्ट उनको नहीं मिल रहा। हार्ड टाइम्स में कैसे खुद को स्ट्रांग बनाए रखना है, अगर ऐसे कोई 2 पॉइंट्स मैम आप हमसे साझा करना चाहें। देखिए, जब शादी होती है तो हर लड़की को ये क्लियर कर देना चाहिए, अगर वो नौकरी कर रही है, कि भाई मैं अपनी नौकरी किसी भी हालत में नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मैंने जो कुछ ये अचीव किया है बहुत पढ़ाई के बाद, बहुत मेहनत के बाद किया है। हाँ, फिर भी अगर
वो मेरा डिसीजन होगा जब मैं छोड़ना चाहूंगी, ये चीज अपने हाथ में रखनी चाहिए लेडी को। और दूसरा ये कि जो सैलरी मिलती है वो सैलरी के ऊपर एकाधिकार लेडी का होता है, वो एक तरह से स्त्री धन होता है। आप मतलब उसका एक जो लेडी जो कमाती है वो उसका अपना होता है, घर चलाने का काम आदमी का होता है, लेकिन अगर वो अपने पति का सहयोग करे उसमें ठीक है, आप शेयर कर दें, लेकिन पूरी की पूरी तनख्वाह जो है वो किसी के हाथ में पकड़ाने की जरूरत नहीं है। अब ये आप नेट पर डालोगे तो ये चीज जो मैं शेयर कर रही हूँ ये बहुत इंटीमेट टॉक है लेडीज के लिए, कि अपनी पूरी सैलरी जो है हस्बैंड के हाथ में नहीं थमाना है, उसके बाद फिर आप मांगते रहोगे तो, क्योंकि खर्चे तो बहुत होते हैं घर में, तो बजाय उसके कि आप जो है उसको शेयर कर लें खर्चे को, और जितनी आपकी सैलरी मिलती है उसमें से कुछ आप अपने लिए अपनी मर्जी से खर्चा करें और सबके लिए गिफ्ट्स लेके आए तीज त्योहार पे, तो और भी अच्छा लगेगा। बजाय इसके कि हर वो आपने आदत अगर ये डाल दी कि पहली तनख्वाह दी, दूसरी दी, तीसरी दी, फिर आप देते ही रहोगे और आपके हाथ में कुछ नहीं होगा, तो यू विल बी अगेन जो है वो जीरो। इकोनॉमिकली तो फाइनेंशियली तो आप स्ट्रांग नहीं रहेंगे ना, फिर आपने जितनी बचत करनी है या जो कुछ खर्चा करना है अपने ऊपर, वो फिर आपकी वही स्थिति आ जाएगी। तो अच्छा यही है कि आप जो खर्चा घर में होता है उसको शेयर करें, और जहां आपको अपनी चीजों की जरूरत है वहां आप अपने पैसों से खरीद सकते हैं या अपने ऊपर खर्च कर सकते हैं, वो आपकी अपनी लिबर्टी है, क्योंकि आप इतनी बिल्कुल मेहनत कर बिल्कुल, रहे हैं। ये है तो हाँ, तो ये दो चीजें हैं कि आदमी को फाइनेंशियली स्ट्रांग रहना चाहिए लेडी को, और दूसरा जो है मैंने बताया कि भाई घर में जो है ये क्लियर होना चाहिए कि भाई नौकरी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मैंने अपनी मर्जी से और अपनी इतनी मेहनत के बाद इसको अचीव किया है, और छोड़ूंगी तो मैं अपनी मर्जी से छोड़ूंगी जहां मुझे लगेगा कि अब छोड़नी चाहिए, घर के लिए सेक्रीफाइस करना चाहिए। तो वो ये दो चीजें आपको अपने हाथ में रखनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, इतनी बेहतरीन जानकारियां दिलीप, मुझे लगता है आज बिल्कुल हमने ये सेशन में बहुत अच्छी जानकारियां हासिल की हैं। खासतौर से आज हमारा प्रोग्राम भी लड़कियों को लेकर था कि वो जब पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन करना चाहती हैं तो क्या कुछ उनको ध्यान देने की जरूरत है, और मैम ने जिस तरीके की तमाम चीजें क्लियर की है, मुझे लगता है कि हमारे साथ जितने व्यूवर्स भी जुड़े हुए हैं उनको ये वाकई बहुत अच्छा लगेगा, और आप इस प्रोग्राम को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, अपने क्लोजर वन के साथ, और कहीं ना कहीं आपके लिए ये आपके आगे के लिए आपकी चुनौतियों को ये बहुत छोटा बनाने की कोशिश करेगा। बिल्कुल। एंड आई थिंक मैम इस सेशंस को हम कंक्लूड करेंगे, और तमाम बच्चों का एक बार मैं फिर से नाम लूंगा, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि जो यूथ हैं ये हमारे लिए आने वाले टाइम के लिए, देश के लिए और अपने स्टेट के लिए काफी अच्छा करने वाले हैं। और इस कड़ी में हमारे साथ आंचल श्रीवास्तव, दीपेंद्र, तमाम बच्चे के क्वेश्चंस को सफलता.com सफलता टॉक से लेने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं, विवेक यादव, लोकेश, तमाम बच्चे जुड़े हुए हैं, अमोद, अजीत, तमाम बच्चों का वेलकम है सफलता.com के सफलता टॉक में। और इस एपिसोड में डॉक्टर राजश्री सिंह आज हमारे साथ लाइव हैं, एंड ऐसे एपिसोड सब्सिक्वेंट एपिसोड के लिए सफलता.com के यूट्यूब चैनल को, जैसे कि सफलता क्लास हमारा एक यूट्यूब चैनल है, आप उसको शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और नए एपिसोड में सफलता टॉक में नए गेस्ट के साथ फिर मैं हम हमारी पूरी टीम, टेक्निकल टीम पल्लवी एंड हम लाइव रहेंगे। बिल्कुल एंड सो मैम, आई थिंक हम सेशंस को कंक्लूड करते हैं, एंड जी, तो दो लाइन आपके माध्यम से। मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगी, और चाहूंगी कि जितनी बातें मैंने बताई हैं उसको आप जो है दो बार सुने चाहे तीन बार सुने, लेकिन उसको ग्रेस्प जरूर करें, क्योंकि ये मेरा जो है 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है पुलिस सर्विसेज का, और 1990 में ज्वाइन किया था, तो 31 अभी जुलाई में हो जाएंगे, जून जुलाई में। तो या तो इंसान सीखता है अपने एक्सपीरियंस से या दूसरे के एक्सपीरियंस से, तो मेरे एक्सपीरियंस से सीख लेंगे तो आपको बहुत सारी अनटूवर्ड इंसिडेंट से बचना मतलब हो जाएगा, बड़ा इजीली आप जो है उस चीज से बाहर निकल जाएंगे। तो मेरी उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा करेंगे, और पुलिस
पुलिस सर्विसेज ज्वाइन करेंगे तो पूरी डेडिकेशन के साथ और पूरा ये सोच के कि यहाँ पे पर्सनल सेक्रीफाइसेस बहुत हैं, आपका कोई तीज त्योहार नहीं है, कोई होली दिवाली नहीं है, और आपको हर वक्त काम करना है, 24 घंटे की ड्यूटी है, आपको कोरोना में भी काम करना है, और ऐसी कोई और जो है सिचुएशन ऐसी आ जाती है जिसमें कोई इमरजेंसी है तो उसमें भी जाना है, फिर आपको ये नहीं देखना है कि बच्चे छोटे हैं या हस्बैंड घर में है या सास ससुर बीमार है या मैं बीमार हूँ, तो बहुत रेयर चांसेस में आपको ये होता है कि भाई आप बिल्कुल ही उठ नहीं पा रहे हैं और कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, तब आप ये सोचें कि भाई हाँ मुझे इलाज भी करवाना है, और पर्सनल सेक्रीफाइसेस तो देखो आप अगर तैयार हैं तो फिर जरूर यू आर मोस्ट वेलकम, और मैं चाहूंगी कि आपका बहुत भविष्य जो है उज्ज्वल हो, बहुत सुंदर हो, और आपका हृदय जो है वो इतना विशाल होना चाहिए कि जो भी दुखी कोई आता है, चाहे गरीब है चाहे अमीर है, उसको आप प्रॉपर जो है न्याय दिलवा सकें, तो उसी में हमारी सबकी सफलता है। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, और आखिर में आप तमाम व्यूअर्स से ये जरूर कहना चाहेंगे सफलता टॉक्स के माध्यम से कि जिंदगी में संघर्ष बहुत है, ये सोच के नहीं घबराना है कि अरे बहुत लाइफ में स्ट्रगल है, पूरा पूरी जो लाइफ है आपकी वो फुल ऑफ स्ट्रगल्स है, तो उसको कैसे पार पाना है, उसको कैसे लैंडमार्क्स में तब्दील करना है, ये हमारा मकसद था जिस प्रोग्राम का। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे खास शख्सियत के साथ और उनके कुछ एक्सपीरियंसेस के साथ। उम्मीद करते हैं कि आज आपको राजश्री मैम के एक्सपीरियंसेस मिल गए होंगे और उनके एक्सपीरियंसेस से आप कुछ बेहतर सीखने की कोशिश करेंगे। राजश्री मैम बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्कार।